महन चौबीसी में पिछले काफी समय से जिला परिषद के चेयरमैन बलराज कुंडू और धनखड़ परिवार के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें धनखड़ परिवार की तरफ से जिला परिषद कुंडू के ऊपर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। रमेश धनखड़ व नरेंद्र धनखड़ ने बताया कि 2012 से हम बलराज कुंडू से अपने 12 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। धनखड़ बंधुओं ने महम में जिला परिषद कुंडू के कार्यालय के आगे परिवार सहित बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बलराज कुंडू मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि बलराज कुंडू एक रावण है, क्योंकि इस इंसान की वजह से ही हमारे पूरे परिवार का विनाश हो चुका है। इस इंसान ने हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे बच्चों की पिछले समय से स्कूल की फीस नहीं दी गई, जिन्हें स्कूल वालों ने नोटिस भेजकर स्कूल से निकाल दिया है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, जिसके जिम्मेवार बलराज कुंडू, विजय कुंडू व हवा सिंह राठी होंगे। धनखड़ ने बताया कि 5 दिन पहले मेरी पत्नी पूनम उनके फार्म हाउस पर बात करने गई तो कुंडू ने कहा कि मैं सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया ही दूंगा, वो भी जब दोनों भाई मीडिया के सामने मेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि बलराज कुंडू निर्दोष है, हमने तो राजनीति दबाव बनाने के लिए खेल रचा था। शिवराज कुंडू और विजय कुंडू, एक हवा सिंह राठी, जिन्हें दबाव बना रहा है, 5-6 दिन पहले मेरी मैडम पूनम धनखड़ दो से और उसके भाई दो, वो उसकी बहन लगती है, वहाँ गए फार्म पे, उसने फार्म पे जाकर कही अगर भाई हम परेशान हो गए, बोला बेबे पैसे दूंगा, दोनों भाई मेरे जो है ना पैर पकड़े और मीडिया के सामने गलती माने, अभी मेरे को राजनीति दबाव बना रहा था, अब उनकी कहने से हम बकाव में आ गए, हमारा कोई राजनीति हाथ नहीं है, 1.5 करोड़ रुपये दूंगा जब ये पहले बयान देंगे दोनों भाई, गलती मांगेंगे पंचायत मीडिया के सामने, आगे जो आगे हम आपसे गलती मांगते, हमारे तो आपका कोई गलती नहीं है, हमारे पैसे दे तो मैं 1.5 करोड़ रुपये आपको दूंगा, मेरी गुड़िया की फीस नहीं गई, सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसको नोटिस दिखा था स्कूल का, वो दिखा था हमारे, देखो स्कूल से बोला उसको क्यों छोड़ रखा है, हमारे पास भाड़ा नहीं है, उसको यहाँ ले आवा, उसको मजबूर कर दिया और इस मजबूरी की वजह से हम यहाँ आए जी, पूरा परिवार बच्चे समेत हम जो है आपने लेगा जी, कब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा, नहीं तो जी आत्म सुख कर जाएंगे, याद कर जाएंगे, कल कर जाएंगे, या नहीं करें कहीं कहीं एक चुपके से कर, हम उसके सामने बैठे, ऑफिस के सामने बैठे जी, पानी छोड़ दिया, पुलिस जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही है जी, उसी से मिली भगत है और शासन में हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है जी, और लास्ट में यही चाह रहा है जी, हम अपने सारे परिवार को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके जी आत्मदाह करने जा रही है, टूट पा गई है हमारी, मकान वगैरह सब जो है बैंक ने ले लिया है, और बलराज कुंडू की वजह से ही मेरे पूरे परिवार का नाश हो गया है, बलराज कुंडू व उसके भाइयों की वजह से ही मैं रोड पे हूँ, तो हम जो है आत्महत्या करने जा रहे हैं, उसका जो माल जिम्मेवार है बलराज कुंडू, शिवराज कुंडू, विजय कुंडू, एक हवा सिंह राठी सुंदरपुर का, ये चारों आदमी जिम्मेवार हैं, और हम यहाँ पर आकर सरकारी जगह पर बैठे तो हमारे नीचे पानी छोड़ दिया गया है, हमने रोड के उस तरफ बैठना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं, मामला है जी 2012 से हम पैसे मांग रहे हैं जी, 2012 से इतना दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, राउंड जो करता है ना, राउंड से ही बुरा कार्यक्रम कर दिया जी हमारे साथ, किस बात का पैसा है? पैसा हमने रोड के काम किए थे जी, पूरे सबूत हैं जी, इसने कमेटी बैठाई जी, वो फैसला बदल दिया जी, कोई पैसा नहीं दिया जी आज तक जी। कितने पैसे आपके? हमारे 10.5 करोड़ रुपए 2012 के अंदर बोल रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हैं जी, रोहतक से आए हैं जी, धनखड़ बंधु रमेश धनखड़, नरेंद्र धनखड़, सुनील धनखड़, मेरी पूरी फैमिली, और हमारा ये अंतिम निर्णय है आत्महत्या करने का।